नमस्कार, मेरा नाम ऋतु रतेवाल है और आप अन अकेडमी स्टूडियोज प्लेसिबो पे हैं। हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे टीनोफोरा और होपफुली प्लैटीहेलमिंथीस। एनिमल किंगडम की पहली दो फाइलम्स तुम कंप्लीट कर चुके हो। टीनोफोरा में किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं और फिर प्लैटीहेलमिंथीस में किस प्रकार के एनिमल्स होते हैं, आज की क्लास का ये विषय रहेगा। इस चैनल पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, जिसके की फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक तो आपको नॉलेज मिल रहा है, फ्री का नॉलेज है, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आके यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। साथ में ही आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमसे यहाँ पे, साथ साथ में लाइव सेशन का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की ऐप को डाउनलोड करेंगे और जैसे ही आप ये लिंक डालेंगे, नीट प्लेसिबो या सिर्फ नीट प्लेसिबो भी डाल देंगे टेलीग्राम पे, तो आप हमसे कनेक्टेड हो जाएंगे। जिसका फ़ायदा ये है, सभी नोटिफिकेशंस तुमको मिलती रहेंगी, या टीचर्स जैसे अपने बच्चों को कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं तो वहाँ पे मैसेजेस आते रहते हैं। सो यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद द टीचर्स मोर। अनअकैडमी प्लस के बारे में बात करना चाहती हूँ थोड़ा सा। ये प्लस दिख नहीं रहा है, ज़रा इसको सुंदर बना दें। रुको, दिस इज अनअकैडमी प्लस। एग्ज़ाम का प्रेशर आप लोगों के ऊपर बढ़ रहा है। बहुत सारे बच्चे नीट के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे प्रिपेयर करना चाहते हैं, परंतु समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से करें, किस टीचर से पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। इतने पैसे भी नहीं हैं खर्च करने के लिए, टाइम भी बहुत कम रह गया है। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। अनअकैडमी प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है तुम्हारे, यदि तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाहते हो। अनअकैडमी प्लस पे इंडिया के 40 टॉप एजुकेटर्स अपनी क्लासेस देते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे यूट्यूब पे क्लासेस हो रही हैं वैसे लाइव क्लासेस चलती हैं वहाँ पे 40 टीचर्स की, और वो अपना अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं। हर चार क्लासेस के बाद, फोर क्लासेस के बाद एक डाउट सेशन रहता है, तो आप अपने टीचर से, मतलब आप मैसेज करेंगे, जैसे यूट्यूब पे आप मैसेज करते हैं वैसे ही आप मैसेज करेंगे तो आपका टीचर उसके रिप्लाई करेगा, ठीक है। देन वहाँ पे क्विजेज रहते हैं, हर टीचर अपना एक टॉपिक खत्म करने के बाद एक क्विज अपलोड करता है, जिससे कि उस टॉपिक की तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, तुम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये मुझे टॉपिक आया भी है कि नहीं आया है, ओके। देन वी हैव अ टेस्ट सीरीज। एवरी संडे यू आर गिवन अ टेस्ट ऑफ 720 मार्क्स, 720 मार्क्स का टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको आदत पड़ेगी। पहली बात तो 720 मार्क्स का टेस्ट अटेम्प्ट करने की 3 घंटे में। दूसरी बात, आपकी नॉलेज टेस्ट होती रहेगी कि आपको कितना कितना आता है और कितना आपको और आने की ज़रूरत है। ये टेस्ट आपका मिरर होंगे। अगर आप इन टेस्ट में अभी 500 से ऊपर नंबर नहीं स्कोर कर रहे हैं, 530 540 पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो नीट में हम 570 कैसे टच करेंगे बेटा जी। टेस्ट देने हैं, चाहे ऑफलाइन में दो चाहे ऑनलाइन में दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेस्ट देने हैं। ये सभी चीज़ें जो मैंने आपको पीछे बताई है, उसके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। मैं अपना बायोलॉजी का क्रैश कोर्स शुरू कर रही हूँ 30 नवंबर से, जिसमें कि मैं पूरी बायोलॉजी आपको 3 महीने कुछ दिन में पढ़ाऊंगी। अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ का कोर्स होगा। सो 120 डेज़ कितना हो गया? 4 महीने हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज़ का कोर्स रहेगा, 4 मंथ्स का कोर्स रहेगा, जिसमें मैं तुम्हें पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। एक बार तो एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन समझाऊंगी, लर्न कराऊंगी, तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम फिर मुझे आंसर करोगे या तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछोगे, मैं आंसर करूंगी, तो इस तरीके से तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी। नीट में 50% बायोलॉजी आती है और वो 50% बायोलॉजी का पार्ट का जिम्मा मैं लेती हूँ। वो तो मैं तुम्हें ऐसे करा दूंगी कि तुम इंडिया के टॉप बच्चों में आओगे बायोलॉजी के, एक बार तुमने ये क्रैश कोर्स कर लिया तो। मेरा क्रैश कोर्स, ये 40 टीचर्स की टीचिंग, ये टेस्ट सीरीज, ये क्विजेज, सब कुछ आपको मिलता है एक सब्सक्रिप्शन लेने पे। अनअकैडमी प्लस का एक सब्सक्रिप्शन लेने पे ये सभी कुछ आप लोगों के लिए अवेलेबल होता है। ये आपको सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करेंगे, देन यू विल इंस्टॉल दिस ऐप। इंस्टॉल करने के बाद फ्रंट पेज पे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन आएगा नीचे, यहाँ पे प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप। प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फिर से बड़े सारे ऑप्शन आएंगे, आप नीट एंड एम्स के ऑप्शन पे जाएंगे, क्योंकि दिस इज योर रेलिवेंट ऑप्शन। देन यू विल गो टू गेट सब्सक्रिप्शन। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाने के बाद, जो 2020 के लिए बच्चा एग्जाम दे रहा है, 2020 का दे रहा है नीट 2020, वो 6 मंथ्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा। जो अभी प्लस वन का बच्चा है वो 12 मंथ्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगा, जिसे 2021 में एग्जाम देना है वो 12 मंथ्स, 1 ईयर या 2 ईयर वाले पे क्लिक करेगा, जैसे भी आपको सही लगता है, ठीक है। 1 ईयर वाला आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, 2 ईयर वाला कर सकते हो आप लोग।
नाउ 6 मंथ्स की फीस सिर्फ 24,000 रुपीज़ है, 1 ईयर की फीस 30,000 है, 2 ईयर्स की फीस 48,000 है। वैसे तो ये फीस पहले ही कम है, पर इसको और कम करने का तरीका है। मान लो आपने 1 ईयर वाली पे क्लिक किया, या किसी पे भी क्लिक कर लो, ठीक है, मैंने मान लो 1 ईयर पे क्लिक किया आपने, तो आपको यहाँ पे 30,000 दिखाएगा। आपको ये पे नहीं करना, यू हैव टू पुट दिस कोड। एज सून एज यू पुट दिस कोड, एज सून एज यू पुट दिस कोड, यू गेट अ 10% ऑफ। आपकी पूरी फीस पे 10% ऑफ हो जाता है। 1 साल का कोर्स अब तुमको सिर्फ 27,000 रुपये में पड़ेगा, 6 महीने का कोर्स तुमको सिर्फ 21,600 में पड़ेगा। इससे अच्छा स्ट्रैटेजी, इससे अच्छा मौका तुम्हें तैयारी का और कहीं नहीं मिलेगा बेटा। इतना कम पैसे में इतनी सारी सुविधाएं, इतना ज़्यादा टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये आई डोंट थिंक यू विल गेट इट एनीवेयर। सो इफ़ यू थिंक इट इज़ राइट, अगर तुम्हें सही लगता है तो ये सब्सक्रिप्शन तुमको ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे ही तुम ये कोड डालोगे ना रितु लाइव, तुमको मेरे क्रैश कोर्स में सीट मिलेगी। मेरा क्रैश कोर्स जो कि 30 नवंबर से शुरू हो रहा है, यू विल गेट अ सीट देयर, प्लस यू विल गेट माय नोट्स, एवरीथिंग यू विल गेट विद दिस कोड। ओके, चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो एवरीबॉडी हु इज अटेंडिंग द क्लास, वेलकम टू द क्लास। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइलम टीनोफोरा। कौन कौन आया है आज क्लास में, मिला जाए बच्चों, कैसे हो तुम लोग और कहाँ हो तुम लोग, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए। हेलो सुमन सिन्हा, आदित्य सिन्हा, संजय सेठी, दिंकी मदान, निनाद वतेकर, इप्सिता, प्रणाम बेटा, प्रभात झा, हेलो दीप सिंह, वो क्या होता है, प्रवीण बाबू, प्रवीण बाबू स्पेशल क्लास बेटा, कल आप लोगों की स्पेशल क्लास लग जाएगी, ठीक है। तुषार शर्मा, तस्नीम सदफ, आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से आपा समझना शुरू करते हैं। देखो अगली फाइलम, तीसरी फाइलम टीनोफोरा है। अभी सारे एनिमल्स पानी के अंदर थे, पॉरीफेरा सब पानी के अंदर, स्पॉन्ज स्पॉन्ज से, है ना, नाइडेरिया नाग की तरह, नाइडेरिया को नाग से याद किया था ना हमने, सांप की तरह डसने के लिए तैयार, वो भी सब पानी के अंदर। तो क्या टीनोफोरा पानी से बाहर निकल पाया? बिल्कुल भी नहीं निकल पाया, इट इज एक्वेटिक, पानी में ही है। तो मतलब पहली तीन फाइलम्स पानी के अंदर है, ये बात याद रखनी है। पर इसमें एक बात और स्पेशल है, ना सिर्फ ये पानी के अंदर है, इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन। This is a very good question that can come in neat. Exclusively marine. Exclusively marine का मतलब क्या है? ये सिर्फ समुद्र में मिलती है, ये आपको rivers में नहीं मिलेगी, ठीक है। Exclusively marine तीन phylums हैं, बोलो तो कौन कौन सी। एक तो टीनोफोरा की बात जो मैं अभी कर रही हूँ, कहाँ है भैया, बार बार बताती रहती हूँ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखो तो तीन फाइलम्स कौन सी हैं जो एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ समुद्र में मिलती हैं। यार क्यों मिलती होंगी समुद्र में, सोचो नदियों में जाते हैं हम, ह्यूमंस जाते हैं नदियों में, और इनको होती होगी ह्यूमन से चिढ़, ठीक है। तो ये नहीं जाती ह्यूमंस के पास, ये कहते हैं भैया हम समुद्र में सही हैं, क्योंकि समुद्र में तो कम ह्यूमंस जाते हैं ना। ऑफकोर्स ये रीज़न नहीं है, लेकिन अपन लर्न करेंगे इसको, आगे यूज़ करेंगे इस रीज़न को। टीनोफोरा, और बोलो इकहाइनोडर्मेटा, तीसरा फाइलम हेमिकॉर्डेटा, बार बार बताती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, ये तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन है, सिर्फ समुद्र में मिलती है, नदियों में नहीं आती हैं, ठीक है जी। अच्छा ये क्रिएचर्स ना, दे आर ब्यूटिफुल क्रिएचर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव अ जेल लाइक बॉडी, ठीक है। अभी ये जो इतना चमकता धमकता है, ये तुम्हें अंधेरे में नजर आ रहा है, अगर तुम इसी चीज को पानी से बाहर निकालोगे ना, तो तुम्हें जैसे दिन के समय अगर तुम इसको पानी से बाहर निकाल लो, तो ये तुम्हें शाइनिंग नहीं दिखेगा, ये तुम्हें दिखेगा जैसे तुमने एक जेली की एक छोटी सी गोली पकड़ ली है, इट इज़ लाइक दैट। ओके, सो दे आर जेली लाइक मटेरियल से बने होते हैं ये। अगर अंधेरे में तुम इनको देखोगे ऐसे पानी के अंदर, तो इनमें एक बहुत ही अजीब सा फिनोमिना है, दे शाइन लाइक एनीथिंग, जिसे जुगनू जगमगाता है ना,
वैसे ये देखो, ये पिक्चर जस्टिफाई नहीं कर पा रही है इसकी ब्यूटी को, बट यू सी दीज लाइट्स हियर, दीज आर ऑल लाइट्स लाइक दिस, यू सी हियर, दीज आर लाइट्स, ऐसे ऐसे चमकता है जैसे दिवाली की लाइट्स होती हैं, ठीक है. सो इनका एक बहुत बड़ा फीचर है, दे आर बायो ल्यूमिनेसेंट, ल्यूमाइनेसेंट. स्पेलिंग बहुत मैं ध्यान ध्यान से लिखती हूँ बेटा, कब भूल जाऊँ पता नहीं चलता, ठीक है. पहले मैंने तुम्हें बताया था टीनोफोरा अलग से फाइलम थी ही नहीं, पहले ये नाइडेरिया के साथ एक ही फाइलम थी जिसको सीलेंट्रेटा कहते थे, ठीक है. लेकिन फिर नाइडेरिया को पता चला कि यार ये तो बहुत गद्दार किस्म की है, तो उसने उसको सेपरेट कर दिया, कह रहे तू अलग फाइलम बना, मैं अलग तू अलग, ठीक है, इनको सेपरेट कर दिया. क्या रीज़न हो सकते हैं, रीज़न अपा पढ़ेंगे क्या रीज़न्स हैं. मुझे जो बेसिक रीज़न लगता है कि ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, ज़्यादा शाइनी है, तो इनकी ब्यूटी से जलन खा के नाइडेरिया ने इनको बाहर फेंक दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है. एक्चुअल रीज़न ये नहीं है, एक्चुअल रीज़न क्या है मैं तुम लोगों को बताऊंगी, ठीक है. सो बायोल्यूमिनेसेंट है पहली बात. इनको कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं, ठीक है. सी वॉलनट तुम समझ सकते हो, जब इनको बाहर निकालते हो तो वॉलनट के शेप की होती हैं, गोल गोल होती होती हैं, है ना, वॉलनट जैसी दिखती हैं गोल गोल सी, तो इसलिए सी वॉलनट कह देते हैं. कॉम्ब जेलीज क्यों कहते हैं, बहुत स्पेसिफिक रीजन है, मैं तुम्हें बताती हूँ. देखो इसका फाइलम का नाम भी कॉम्ब जेलीज के ऊपर पड़ा है, टीनोज मतलब कॉम्ब, टीनो ना, टीनोज, टीनोज वर्ड इट मीन्स कॉम्ब, ठीक है. फोरा मीन्स बियरिंग. बॉडी के ऊपर कंघी लेके घूमोगे तो नाम तुम्हारा टीनोफोरा ही पड़ेगा ना. अब बॉडी के ऊपर कंघी लेके कैसे घूमते हैं, आओ देखते हैं. आज मैं, अच्छा मैं आज तुम्हारे लिए एनसीईआरटी लेके आई हूँ साथ में पढ़ने के लिए, सो दैट हम लोग एनसीईआरटी हमारे दिमाग में हो जाए कि एनसीईआरटी कवर हो गई है, ठीक है. ये देखो, टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज आर एक्सक्लूसिवली मरीन. इंपॉर्टेंट फीचर आ गया ये स्मिट्रिस मोट्री. अभी शुरू करते हैं पढ़ना. पहले मैं तुम्हें बताती हूँ इनका नाम कॉम्ब जेली क्यों होता है, तुम्हें एक फोटो बना के बताती हूँ. दीज एनिमल्स आर लाइक दिस, गोल होते हैं जनरली, स्फेरिकल ऐसे, ठीक है. और इनका मुंह होता है नीचे, ओरल एंड, हियर इज देयर माउथ, यहां पे माउथ होता है, ठीक है. ऊपर वाली साइड इनके दो टेंटैकल्स होते हैं ऐसे. अभी टेंटैकल जरूरी नहीं है कि हो, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास टेंटैकल्स नहीं होते. देयर आर टीनोफोर्स जिनके पास टेंटैकल्स नहीं होते, पर मैं टेंटैकल वाला बना रही हूँ. दिस पर्टिकुलर एनिमल दैट आई एम मेकिंग इट इज कॉल्ड प्लूरोब्राकिया, जिसमें एनसीईआरटी में देखो तुम्हारी फोटो दी होगी, ये वाली प्लूरोब्राकिया बना रही हूँ मैं. सो इट हैज टू टेंटैकल्स लाइक दिस, ठीक है. नाउ दिस गाय ऑन इट्स बॉडी सरफेस इट हैज 8 प्लेट्स, 8 लंबी लंबी प्लेट्स हैं इसकी बॉडी पे, ओके. दीज आर कॉल्ड कॉम्ब प्लेट्स लाइक दिस. सो दिस इज 1 कॉम्ब प्लेट, दिस इज 2nd कॉम्ब प्लेट, ओके, दिस इज 3rd कॉम्ब प्लेट, दिस इज 4th कॉम्ब प्लेट लाइक दिस. अभी तो मैंने 4 ही बनाई है एंड आई एम गोइंग टू कलर देम बिकॉज, वाई, बिकॉज आई लाइक कलरिंग, नो अदर रीजन. नाउ what do you see, you see 4 complets, right, for that side. I'm going to write it what I've just said. So these are comb plates. Why are they called comb plates, by the way? Because they have comb like structures attached to them, kanghi jaise structure iske upar attached hote hain. Wo kanghi jaise structure kya hai actually mein, see carefully, okay, let me use red only. Is pe aise aise kanghi ki tarah ek structure hota hai aur uske upar aise cilia lage hote hain beta, dikh raha hai, सीलिया बेयरिंग कॉम्स होती हैं. एम आई क्लियर विद दिस डायग्राम? नो, नॉट वेरी क्लियर. व्हाट शुड आई यूज, सम अदर कलर? इज दिस विजिबल? इज दिस विजिबल बेटर देन बिफोर, राइट? सो ऐसे कंघी सी लगी होती हैं बेटा. अरे अरे,
ऐसे अभी दिख रहा होगा ना, ऐसे कंघियां लगी होती हैं इसके ऊपर। ये कंघियां बेसिकली क्या है, सीलियां है बेटा ये, ऐसे ऐसे। कैन यू इमेजिन, तुम्हारी बॉडी पे कंघियां लगा दूं मैं पूरी बॉडी पे, तुम लोग कैसा फील होगा? ऐसा इसको फील होता है, ठीक है? पूरी बॉडी पे ये ऐसे प्लेट्स होती है, आठ प्लेट होती है और आठों प्लेटों पे ऐसे कंघियां लगी होती है। ये दीज कंघियां आर नथिंग बट सीलिया, ग्रुप ऑफ सीलिया, दे आर ग्रुप ऑफ सीलिया। नाउ व्हाट आर दे डूइंग विद दीज सीलिया? दे आर मूविंग। दीज आर द लार्जेस्ट एनिमल्स टू मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया। अभी तक हम कहाँ पढ़ते हैं सीलिया को कौन मूव करता है? पैरामीशियम मूव कर रहा है सीलिया से, ऐसे ऐसे करके, है ना? लेकिन बहुत बड़े ऑर्गेनिजम्स सीलिया से मूव नहीं करते हैं। दिस गाय टीनोफोरा इज द लार्जेस्ट एनिमल टू मूव विद द हेल्प ऑफ सीलिया, इसीलिए इनको कॉम्ब जेलीज कहते हैं। क्यों? जेली लाइक बॉडी और ऊपर से कंगी 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 बॉडी पे होती है, ठीक है? अब मैं तुम्हें थोड़ी सी बातें बताती हूँ, क्यों हमने इसको सिलिंट्रेटा में रखा था और क्यों फिर धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ठीक है? शुरू करें। सिमिलैरिटीज विद सिलिंट्रेटा क्या है इनकी? सिमिलैरिटीज विद नाइडेरिया या सिलिंट्रेटा, एक तो इसके सारे जो बेसिक फीचर्स हैं वो सब के सब मैच करते हैं। जैसे कि पहला, बॉडी प्लान। क्या बॉडी प्लान है नाइडेरिया का? क्या बॉडी प्लान था याद करो? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट बट नीचे से बंद होती है, बोरी की तरह बंद होती है एलिमेंट्री कैनाल, है ना? डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही ओपनिंग होती है, इसकी भी ऐसी है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है जी? अब यहाँ पे फोटो बना के दिखाती हूँ। अभी मैंने जैसे बनाया था ना प्लूरोब्रैकिया, उसी की फोटो बना रही हूँ। मैंने यहाँ माउथ बनाया था, तो माउथ से इसकी एलिमेंट्री कैनाल ऐसे जाती है नीचे और यहाँ पे फिर वापस आ जाती है। सो एलिमेंट्री कैनाल ऊपर से बंद है, एनस तो है नहीं बेचारे के पास। अब अपन इस बात से ना बहुत यूज टू हो चुके हैं कि ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जिनके पास एनस नहीं होता है ना, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल, है ना? दिस इज माउथ, ऐसा ही उसमें होता था नाइडेरिया में, तो ये सिमिलर फीचर आ गया। देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू बन चुके हैं, ऑर्गन अभी नहीं बनने, टिश्यू लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या रहता है इसका? टीसू लेवल। तीसरा और क्या आता है? समिट्री, स्मिट्री, स्मिट्री। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बहुत बार बात करते हैं अपन। स्मिट्री तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी? ए स्मिट्री, कोई स्मिट्री नहीं है, जो पॉरीफेरा में मिलती है। रेडियल स्मिट्री तीन फाइलम्स में मिलती है सर, किस किस में याद करा चुकी हूँ बहुत बार। नाइडेरिया में मिलती है, टीनोफोरा में मिलती है, इकाइनोडर्मेटा में मिलती है। तो यहाँ पे भी रेडियल स्मिट्री, नाइडेरिया के पास भी रेडियल स्मिट्री, है ना? अगली बात बोलो, सीलोम बॉडी कैविटी है क्या? बॉडी कैविटी क्या होती है? सीलोम क्या होती है? इट इज द स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी वॉल। ये रही इसकी बॉडी वॉल, ये जो लाइनों वाली है, दिस इज द बॉडी वॉल, ये स्पेस इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में कोई स्पेस है ही नहीं, कोई कैविटी है ही नहीं। सो ए सिलोमेट, बताया था ना ए सिलोमेट क्या होता है? जिसके पास कोई स्पेस नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम और बॉडी वॉल के बीच में, बॉडी वॉल बॉडी के बाहर वाली वॉल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में कोई स्पेस नहीं है। ये देखो नहीं है ना, ये बॉडी वॉल है, ये बॉडी वॉल है, ये जो मैं कलर कर रही हूँ ये बॉडी वॉल है और ये एलिमेंट्री कैनाल है, दोनों के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है। लास्ट रह गया बच्चों, पांच फीचर्स अपन हमेशा पढ़ते होते हैं, क्या रह गया, क्या रह गया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, सीलोम, लिखो तो तेरा क्या रह गया, मुझे याद नहीं आ रहा क्या रह गया। कौन कौन से पॉइंट्स पढ़ते होते हैं अपन बता दो बच्चों, हेल्प कर दो। कोलोब्लास्ट बताती हूँ, आदित्य से ना बताती हूँ।
यस जर्म लेयर, अंकित सिंह आ गया, जर्म लेयर्स। पॉरीफेरा के पास कोई जर्म लेयर नहीं थी, नाइडेरिया के पास दो जर्म लेयर थी, इसके पास कितना जर्म लेयर होएगा? ऑफ कोर्स नाइडेरिया के पास दो है तो इसके पास भी दो जर्म लेयर्स होएगा, डिप्लोब्लास्टिक। ये सारे फीचर नाइडेरिया से रिजेंबल करते हैं, ठीक है, लिख लो, नोट डाउन करेंगे इसको, फिर आगे चलते हैं। क्या रिजेंबल नहीं करता नाइडेरिया से? कॉलोब्लास्ट बता रही हूं आदित्य सेना, रुक जाओ, डन 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 डन, चलू आगे, चल पढ़ू, आओ। डिसिमिलैरिटीज, क्यों इनको लात पड़ी, क्यों ये बाहर निकालने दिए गए, अभी पढ़ेंगे। डिसिमिलैरिटीज, लैरिटीज फ्रॉम नाइडेरिया, आओ देखते हैं क्या था भैया ऐसा। एक डिसिमिलैरिटी तो तुमने अभी देख ली, दे आर बायोल्यूमिनेसेंट, बायोल्यूमिनेसेंस, स्पेलिंग सही आ गई, आ गई, आ गई, बच गए। तो भैया नाइडेरिया ना चमक पाते थे, ये चमक लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। देन कॉम्प्लेट्स, नाइडेरिया के पास कॉम्प्लेट्स पड़ा है क्या? कुछ नहीं, कोई कॉम्प्लेट्स नहीं होता है। देन एक्सक्लूसिवली मरीन है कि नहीं, बोलो। नाइडेरिया पानी में रहता है परंतु वो फ्रेश वाटर भी था, वो मरीन भी था। फ्रेश वाटर नाइडेरियन का नाम क्या था? हाइड्रा। मरीन जितना बचा हुआ है, बाकी सारा मरीन का एग्जांपल था, सी फर्म, मियांड्रिना, ये वो सब मरीन में आता है ना। तो पर उसमें फ्रेश वाटर भी कुछ था जैसे हाइड्रा, इसमें कोई फ्रेश वाटर नहीं है, धोखा दे दिया। देन नो पॉलिप फॉर्म्स, याद करो नाइडेरिया में, नाइडेरिया की अगर बात करें, जरा तुम्हारी याददाश्त वो करा रही हूँ दोबारा से। नाइडेरिया में पॉलिप्स होते थे, है ना, ऐसे करके, कल पढ़ाया था ना ऐसे करके, पॉलिप्स जमीन में उगते हैं, ये दे कैन नॉट मूव। पॉलिप फॉर्म भी होती थी नाइडेरिया में, और मेड्यूसा फॉर्म भी होता था जो मूव करता था। मेड्यूसा फॉर्म में कौन था? स्टारफिश, हे भगवान क्या बोल दिया मैंने, ये मेरे मुँह से क्या निकल गया, जेलीफिश। जेलीफिश जैसे मेड्यूसा होते थे, और पॉलिप होते थे जैसे ओबेलिया, जैसे पॉलिप की कॉलोनी हो रही है ना। देन एक और बात थी, पॉलिप तो होते ही होते थे, पॉलिप इज अ बॉडी, इज एन एनिमल विच कैन नॉट मूव, है ना। कॉलोनियल पॉलिप होते थे, कॉलोनी में रहने वाले पॉलिप होते थे, और सिंगल पॉलिप भी होते थे, ये कॉलोनियल भी है, पॉलिप भी है और ये कॉलोनियल भी है। हाइड्रा पढ़ाया था मैंने, हाइड्रा कल पढ़ाया था ना, हाइड्रा पॉलिप है लेकिन सॉलिटरी पॉलिप है, हाइड्रा इट इज सॉलिटरी, मतलब अकेला रहता है, कॉलोनीज में नहीं रहता। ओबेलिया कॉलोनियल है, कॉलोनियल पॉलिप है, मेड्यूसा कॉलोनीज में नहीं रहती, मेड्यूसा अपना जहां घूमना होता है घूमती है, ठीक है। तो नाइडेरिया में कितना था, पॉलिप था, कॉलोनियल ये वो सब था। इसने कहा, टीनोफोरा ने कहा, भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं कोई कॉलोनी नहीं बनाऊंगा और ना ही मैं पॉलिप बनूंगा, ऑल आर मोबाइल। सो नो पॉलिप फॉर्म्स, नो कॉलोनियल फॉर्म्स, क्या बोलते हो, ठीक है, नो पॉलिप फॉर्म्स, नो कॉलोनियल फॉर्म्स, ऑल आर मोटाइल, ऑल आर मोटाइल, ठीक है भाई लोग। सो ये बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस तुम लोगों को बताऊंगी रिप्रोडक्शन में, नाइडेरियंस कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, आगे चलो। तो नाइडेरिया में हाइड्रा का जब मन करता था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता था, याद है, हाइड्रा एक छोटा सा बेबी हाइड्रा बना लेता था, बडिंग कर लेता था यहाँ पे, है ना, ऐसे। प्लस टू में भी पढ़ते हैं ना हम एक्सटर्नल बडिंग हाइड्रा की पढ़ते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती थी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती थी, जैसे मेड्यूसा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती थी ना, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज कर जाते थे, फिर इस तरीके से आगे रिप्रोडक्शन होती थी। सो नाइडेरिया में आपको सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों देखने के लिए मिलता था। टीनोफोरा ने कहा, ओ आई एम नॉट, आई एम वेरी, यू नो, आई डोंट डू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई ऑलवेज डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इसमें भाई में ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसके सुपीरियर एटीट्यूड की वजह से
इसको बाहर निकाल दिया गया। इसने कहा बेटा तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम ज़्यादा ही कुछ सुपीरियरिटी की तरफ जा रहे हो, तो ज़रा तुम निकल लो पतली गली से, हम अलग तुम अलग। तो इसको बाहर धकेल दिया गया। इज इट क्लियर? आगे चलूं? एम आई क्लियर? यो यो हनी सिंह, रुद्र प्रताप चक्रवर्ती सही है? हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लाओ अब इसके सिस्टम खत्म होने वाला है फाइलम ये यार, आगे बस इसके सिस्टम्स पढ़ लेते हैं, क्या सिस्टम है क्या नहीं। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया तुम लोगों ने। अच्छा हाँ एक और बात तो भूल गई, इसमें एक और पॉइंट ऐड करो। नाइडेरिया के पास एक सेल होते थे नाग जैसे सेल, नाइडेरिया नाग काटते थे ना, स्टिंगिंग सेल्स होते थे नाइडेरिया में, यहाँ यहाँ पे देर वर सेल्स विच वर वेरी पॉइजनस। यहाँ पे सेल्स होते थे ना टेंटाइकल्स में, बॉडी में ऐसे ऐसे करके सेल होते थे, विच देर कॉल्ड नाइडोब्लास्ट। स्टिंगिंग सेल होते थे नाइडेरिया के पास, उनके पास कोई स्टिंगिंग सेल नहीं है। तो भैया ये इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? नाइडेरिया में होने के लिए तुमको नाइडोब्लास्ट तो चाहिए ना, तुम्हारे पास नाइडोब्लास्ट नहीं है तो तुम नाइडेरिया कैसे हो सकते हो? सो एक और पॉइंट लिख लो, नो नाइडोब्लास्ट। ये तो बहुत ही बड़ा धोखा हो गया, कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया है ना। तो भैया तुम बाहर निकलो करके, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा इसकी बॉडी उसमें पढ़ लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या, फलाना क्या, ढमकाना क्या, बस फिर फाइलम ख़त्म अपनी है ना। क्या हो गया ये? बाय 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 बाय। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं बॉडी के फंक्शंस के बारे में, देख लेते हैं। टीनोफोरा की बात हो रही है, नाइडेरिया को पीछे छोड़ दो अभी, टीनोफोरा की बात हो रही है, आओ देखते हैं। पहली बात, डाइजेशन में अब तुम्हें जो पता होना था सब पता है, तो मैं ज़्यादा माथा पच्ची करना नहीं चाहती। अभी तुमने देखा है इनका एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है, ये तो तुम लोगों को पता ही है। क्या बोलते हो, सही है? दूसरी बात, नाइडेरिया में याद है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था। पहले एलिमेंट्री कैनल में डाइजेशन होता था नाइडेरिया के, फिर जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता था वो साइड साइड वाले सेल्स उठा लेते थे, फिर उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते थे। सो एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता था, इसमें सेम है। एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, वो सेम रहेगा, नाइडेरिया की तरह ही रहेगा, ठीक है। क्या रेस्पिरेशन के लिए कुछ है इनके पास? कतई कुछ नहीं है बेटा, बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन होनी है, ठीक है। एक्सक्रीशन के लिए कोई सेल आया क्या? ना मुन्ना, बहुत अभी प्रिमिटिव है, अभी कोई एक्सक्रीशन के लिए सेल नहीं आएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम आया क्या? भैया एनलिडा में जाके आएगा। सो रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन के लिए जनरल बॉडी सरफेस का इस्तेमाल कीजिए, आपकी पूरी बॉडी ही एक टॉयलेट है। मतलब टॉयलेट तो क्या है, जहाँ मर्जी से एक्सक्रीटरी वेस्ट निकालते रहो, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। सर्कुलेशन में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, सब प्रिमिटिव चल रहा है, कुछ नहीं, निल कुछ नहीं, ठीक है। कोई स्केलेटल सिस्टम आया क्या? कुछ नहीं। नर्वस सिस्टम में वही एपोलर न्यूरॉन्स रहेंगे, नर्व नेट बनेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन पे आ जाओ, नहीं एक और बात बतानी थी मेरे को, कॉलोब्लास्ट होते हैं इनके पास, कॉलोब्लास्ट पढ़ के रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, दे हैव कॉलोब्लास्ट। कॉलोब्लास्ट क्या होता है? देखो खाना पकड़ने के लिए होता है, इधर आओ, कहाँ है भाई हमारा डायग्राम, ये रहा। जैसे उनके पास नाइडोब्लास्ट होते थे ना स्टिंगिंग सेल्स, इनके पास कॉलोब्लास्ट होते हैं, यहाँ पे टेंटैकल पे स्पेशल सेल्स होते हैं इनके, ऐसे उधर भी ऑफ कोर्स, ठीक है। दीज सेल्स आर कॉल्ड कॉलोब्लास्ट्स, ठीक है। दे आर स्टिकी सेल्स। सो ये जो इतना सुंदर एनिमल है, ऐसा नहीं है कि ये पुजारी किस्म का एनिमल है, ये भी दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खाता है, लेकिन इसका पकड़ने का तरीका अलग है। जैसे नाइडेरिया में जहरीले सेल्स थे, जहर छोड़ छोड़ के ऑर्गेनिजम्स को मार के खा जाते थे, ये जहर नहीं छोड़ते हैं, ये सिर्फ ग्लू छोड़ते हैं। कॉलोब्लास्ट आर स्टिकी सेल्स विच स्टिक
टू अदर ऑर्गेनिजम्स, चिपका लेते हैं उनको और फिर फेविकॉल का जोड़ हो जाता है वहाँ पे, तो फिर ऐसे करके खा लेते हैं। ठीक है, सो पकड़ते ये भी हैं, ब्रह्मचारी नहीं है ये टाइप्स नहीं है, लेकिन बट दे हैव डिफरेंट सेल्स कॉल्ड कोलोब्लास्ट्स। अब आ जाओ इनकी रिप्रोडक्शन पे। रिप्रोडक्शन में अपने को वैसे मेजर बातें पता ही है ना, लेकिन थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। चलो क्या हुआ भैया, मेरी स्लाइड का क्या हुआ? एक तो मेरी स्लाइड गुम हो जाती है, मुझे पता नहीं चलता कहाँ गई है। बाय बाय। ओके, लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। देखो ये पढ़ने के बाद तुम एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का उत्तर दे पाओगे, और नीट में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी से आएगा, ये मेरा वादा है तुम लोगों से, वादा रहा। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हर एनिमल, एवरी एनिमल इज अ हर्मोफ्रोडाइट। ये इसका माउथ है, इट्स अ हर्मोफ्रोडाइट। अच्छा, नर्वस सिस्टम का मैं तुम्हें लिखा देती हूँ, क्योंकि तुम लोगों को नोट्स बनाने होते हैं ना, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा उसके पास भी नर्व नेट है करके, नर्वस सिस्टम अलग से लिखा दूंगी। पहले सुन लो, एवरी एनिमल इज अ हर्मोफ्रोडाइट, जिसका मतलब है कि इसमें मेल और फीमेल गैमिट्स दोनों बनते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि नेचर को मंजूर नहीं है कि मेल गैमिट इसी का फीमेल गैमिट फर्टिलाइज कर दे, तो यहाँ पे एक और बना लेते हैं। तो इसका मेल गैमिट जाके इसके फीमेल गैमिट से मीट कर जाएगा। ठीक है, दिस इज मेल गैमिट, दिस इज फीमेल गैमिट, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी ऑब्वियसली। सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो करने नहीं देती नेचर, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या होती है, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में फर्टिलाइजेशन होगी, चाहे वो हर्मोफ्रोडाइटी क्यों ना हो। अच्छा, मैं तुम्हें एक ना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जितने भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स होते हैं, अपने दिमाग में जरा काउंट करो कौन कौन से होते हैं। नाइडेरिया, गलत बोल दिया, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। स्पेशली एनसीईआरटी में मेंशनड है दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, व्हेन फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इन द वाटर नॉट इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑलवेज एंड ऑलवेज दे हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसको याद करने का मैं तुम्हें तरीका बताती हूँ, बहुत आसान तरीका है। मैंने तुम्हें क्या बताया था, रुको मेरे को पानी पीने दो फिर बताती हूँ क्या बताया था। वाह मेरे शेर ऋषभ शिवहरे, रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या क्वेश्चन है। वेदा वंदना, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम आंध्र प्रदेश, अरे वाह, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली के पॉल्यूटेड हवा में से मेरा प्यार होकर जाएगा तुम्हारे पास। ए भाई सदफ अब्रीन, एक बात बता, ह्यूमन बींग्स के पास एनस, अच्छा सदफ अब्रीन का क्वेश्चन है कि मैम जब इनके पास एनस नहीं होता तो इनके गैमिट्स कैसे बाहर जाते हैं। अच्छा मुझे ये बता, ह्यूमन्स के पास एनस होता है, क्या हमारे एनस से गैमिट्स बाहर आते हैं? नहीं ना, गैमिट रिलीज के लिए दूसरी ओपनिंग होती है बेटू, एनस नहीं होती है, एनस तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट के लिए होती है ना। ठीक है चलो आओ बात करते हैं। क्या बता रही थी मैं, हाँ मैं ये बता रही थी, हमने ऐसे याद करनी है इस बात को कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, हमें जितने भी एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम्स हैं, वो रहती है समुद्र में। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब है समुद्र में ह्यूमंस का आना जाना होता है कम, मेनली ह्यूमंस रिवर्स में आते जाते हैं, समुद्र में इतना बड़ा समुद्र है कहाँ कहाँ तक ह्यूमंस पहुँच जाएंगे, है ना। तभी तो जो मैक्सिमम स्पीशीज़ हैं जो हम आज तक नहीं डिस्कवर कर पाए वो समुद्र के अंदर हैं, क्योंकि हम समुद्र में ज़्यादा नहीं एक्सप्लोर करते हैं, कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अपन ये ऐसे याद करना है, ये समुद्र में होती हैं, इनको पता है ह्यूमंस तो है नहीं आसपास, तो ये कतई बेशरम हो जाती हैं और ये कहती है क्या करेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन करके। इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो तब करते हो ना जब आप छुपाना चाहते हो बॉडी के अंदर अपनी फर्टिलाइजेशन, ये छुपाने नहीं चाहते, क्यों हमें कौन देखेगा, कतई बेशरम हो जाती है ये और सारी की सारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द रीजन, दिस इज जस्ट आई वांट टू मेक यू लर्न। ओके,
सो यू विल रिमेंबर एवरी फाइलम दैट इज एक्सक्लूसिवली मरीन विल हैव एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली मरीन नो बडी इज गोइंग टू कम देयर एंड सी सो पूरा बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चलेगा ये याद रखना है आपने ठीक है देन ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन चलेगा तो यहाँ से एक लार्वा भी बनेगा अभी तक पॉरीफेरा में भी लार्वा बना है नाइडेरिया में भी लार्वा बना है तो ये कैसे पीछे रह जाए लार्वल स्टेजेस बनेंगी वैसे तो मैं लिखवाती नहीं हूँ कभी लार्वल स्टेज का नाम लेकिन आज लिखा देती हूँ देयर लार्वा इज कॉल्ड सिडिपिड लार्वा सिडिपिड लार्वा कभी नहीं आएगा नीट में कभी नहीं आएगा एम्स वूम्स में हो सकता है नीट में कभी नहीं आएगा सिडिपिड लार्वा सो जिसके पास लार्वल स्टेज बनती है उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट क्या बोलते हो गया सब कुछ कवर हो गया नोट करो बस फिर फाइलम खत्म करते हैं आगे चलते हैं सायनाज बाऊ बेटा सेल स्ट्रक्चर और सेल साइकिल अभी मैंने कराया नहीं है यूट्यूब पे भैया इतनी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे पड़ी हैं अभी तक वो पढ़ लो सेल साइकिल वाली जब पढ़ाऊंगी तब पढ़ लेना चलो आगे चले अच्छा नर्वस सिस्टम के बारे में वैसे बताना नहीं चाहती थी बट चलो थोड़ा सा जान लेते हैं नर्वस सिस्टम तो नहीं लिखूंगी चलो नर्वस लिख देते नर्वस वैसे नर्वस सिस्टम इज नॉट अ वेरी करेक्ट टर्म क्योंकि अभी तक सिस्टम तो इनके पास कुछ बना ही नहीं है ना ऑर्गन सिस्टम तो आया ही नहीं है तो नर्वस सिस्टम इज नॉट अ वेरी गुड टर्म बट मैं बता देती हूँ जैसे नाइडेरिया के पास ए पोलर न्यूरॉन्स थे ना नर्व नेट बनता है इसके पास भी सेम है ए पोलर न्यूरॉन्स रहता है सारा सेम रहता है यार बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ सेम है इसका तभी तो सेम फाइलम में डले थे पहले ए पोलर न्यूरॉन्स रहता है नर्व नेट बनता है सेम हिसाब है नाइडेरिया जैसा दो लेयर्स होती हैं बॉडी की बीच में मिसोग्लिया होता है सब कुछ सेम है मिसोग्लिया के अंदर नर्व नेट रहता है बस खत्म अपना फाइलम आओ एग्जांपल करते हैं आ गया एग्जांपल दिस गाय हियर इज कॉल्ड आजा भाई दिस गाय हियर इज कॉल्ड टीनोफोरा नहीं इट्स एन एग्जांपल ऑफ टीनोफोरा दिस इज कॉल्ड प्लूरोब्राकिया आ सकता है नीट में थोड़ा मुश्किल नाम है ना दिस इज हाउ इट लुक्स ओके एंड दिस इज एक्चुअली हाउ इट लुक्स आई होप यू आर एबल टू सी इट This is actually how it looks. तो ये जहाँ tentacles है ये इसका ab oral end है ab oral end मतलब oral end से उल्टा So इसका mouth यहाँ पे जहाँ tentacles है उससे opposite में mouth होता है बेटा जी एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहती हूँ Since these animals are moving now, movement कहाँ से शुरू हुई थी Cnidaria से शुरू हुई थी ना So Cnidaria में भी होता है ये और ये इसमें भी होता है टीनोफोरा में भी होता है मूवमेंट में बैलेंस की जरूरत होती है ऐसा तो नहीं जेलीफिश ऐसे ऐसे जा रही है ओह बैलेंस खराब हो गया उल्टी हो गई जेलीफिश ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए तो बैलेंस बनाने के लिए इनके पास एक छोटा सा सेंस ऑर्गन आने लगता है जिसको स्टैटोसिस्ट कहते हैं स्टैटोसिस्ट इज एन ऑर्गन फॉर बैलेंस नॉट ऑर्गन इट्स ए वैसे बोलते हैं सेंस ऑर्गन हालांकि इनके पास अभी ऑर्गन्स आए नहीं है इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर बट से सेंस ऑर्गन सो इसका स्टैटोसिस्ट यहाँ पे लगा होता है एब ओरल एंड पे ना टेंटैकल्स के बीच में यहाँ पे स्टैटोसिस्ट होता है इसका फॉर बैलेंस ठीक है यही नाइडेरिया में कहाँ लगा होता है मान लो नाइडेरिया की जेलीफिश बनाऊ में तो उसका यहाँ पे लगा होता है जहां पे टेंटैकल्स होते हैं ना वहां पे उसका स्टैटोसिस्ट यहाँ होता है स्टैटोसिस्ट ठीक है चलो नेक्स्ट एग्जांपल टीनोप्लाना नाम का जानवर है ये लग रहा है ये कोई कप जिसमें अभी दारू पी जा सकती है बट एक्चुअली इट्स एन एनिमल कॉल्ड टीनोप्लाना बस दो एग्जांपल हैं प्लूरोब्राकिया टीनोप्लाना बस और भी एग्जांपल्स हैं बट मैं कराना नहीं चाहती क्यों आएंगे है नहीं है ठीक है बिरोए ये वो नहीं चाहिए अपने को वी आर डन आओ एनसीईआरटी पढ़ ले NCERT अब तो पढ़ लें अब तो सब कुछ आ गया हमें ओके दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक अभी पढ़ लिया अपन ये सब है ना ऑर्गेनिजम्स विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तुमको आनी चाहिए बातें सारी की सारी द बॉडी बियर्स एट ये भी क्वेश्चन बन सकता है नीट में जैसे चार स्टेटमेंट्स दे देंगे कहेंगे बताओ गलत कौन सा है टीनोफोरा को लेके तो कहेंगे इट बियर्स सेवन सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स या एट सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स तो तुम्हें याद रखना है इट बियर्स
एट एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम प्लेट्स विच हेल्प इन लोकोमोशन. ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एट इंटरनल प्लेट्स या एक्सटर्नल प्लेट्स. तो तुमको एक्सटर्नल वर्ड, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें नीट में, हल्का हल्का तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें वो आना चाहिए. ठीक है. डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर, है ना, अभी बताया था. बायोल्यूमिनेसेंस द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस पूरे एनिमल किंगडम में तुम्हें टीनोफोर में ही पढ़नी है. ठीक है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, भैया किसी के भी अभी तक सेपरेट नहीं हुए, सारे हर्माफ्रोडाइट है ना. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, कोई ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, बाहर है. ठीक है. विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वा है सिडिपिट लार्वा, एग्जाम्पल प्लूरोब्रैकिया टीनोप्लाना. कैसा लग रहा है तुम्हें टीनोफोरा खत्म करके, हैं बच्चों, पोरीफेरा शुरू कर दूं यदि तुम मानते हो तो. हैं बच्चों क्या बोलते हो, दिल्ली में अब तो बेटा पोल्यूशन कम हो गया, तुम्हें क्या पता क्या हालत हो रखी थी दिल्ली में हमारी. ऐसे पढ़ाने के लिए मुंह खोलती थी मैं, मुंह से मेरे ब्लड निकल रहा था, ऐसे मेरे गले की हालत हो गई थी और आंखों से आंसू. हर टाइम ऐसे लगता था आप प्याज काट रहे हो, हर टाइम आपकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं. अंशु कासवान नीट में तो नहीं जाएगा इसके बाहर पक्का, नीट में एनिमल किंगडम इज स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी बेटू. ठीक है, आओ प्लैटी हेलमिंथीज थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं, अभी अपने पास टाइम है ना, 10 मिनट पढ़ लेते हैं प्लैटी हेलमिंथीज, फिर अगली बार खत्म करेंगे प्लैटी हेलमिंथीज को. काए भाई काए काए काए, ये रहा प्लैटी हेलमिंथीज, प्लैटी हेलमिंथीज. नाम्स में बहुत कुछ राज छुपे हैं. हेलमिंथ, हेलमिंथ इज नॉट अ वेरी गुड नाम. कीड़े को हेलमिंथ कहते हैं, कोई भी लंबे से चीज़ को हेलमिंथ कहते हैं. हेलमिंथ जनरली आपकी आपकी बीमार बहुत सारी बीमारियां कॉज करते हैं ह्यूमंस में. दो हेलमिंथ वाली फाइलम है, एक प्लैटी हेलमिंथ एक एस्क हेलमिंथ, दोनों बहुत ज़्यादा गंदी विलियन टाइप्स शक्ति कपूर आऊ टाइप्स फाइलम है, मतलब तुम्हें बीमार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. तो प्लैटी हेलमिंथीज और एस्क हेलमिंथीज को दिमाग में बिठा लो, कतई जो तुम्हारे सबसे गंदा विलन तुम्हें लगता होगा ना वो है ये. ठीक है. इनको फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं बेटा जी, दे आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म्स. वाई कैन यू सी दिस गाय, ये कैसा लगता है हमको कि एक नॉर्मल कीड़ा लो, एक नॉर्मल कीड़ा जो कि ऐसे गोल था, है ना, तुम लोगों को दिख रहा है ये, आई होप दिख रहा है, इसको चप्पल से मारो दे के जोर से. ठीक है. सो दिस इज योर चप्पल या जूता कोई भी, उससे मारो तो ये पिचक जाएगा, फ्लैट हो जाएगा ऐसे, है ना. तो इनकी बॉडी ऐसे होती है, फ्लैटेंड होती है. ठीक है, इसलिए इनको फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं. टेप जैसे अगर ये लंबा है तो ये इंची टेप की तरह लंबा हो जाएगा. ठीक है, अगर ये इतना लंबा नहीं है, जैसे ये इतना लंबा नहीं है, तो ये पत्ते की तरह फ्लैट हो जाएगा. तो इसको मैं बोलूंगी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, क्योंकि ये डॉर्सल साइड है ये वेंट्रल साइड है. डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. ठीक है भाई लोग, तो पहली बात तो अपने को ये पता होना चाहिए. दूसरी बात, इनका हैबिटेट क्या रहता है, कि कहाँ पे रहते हैं. अभी तक सब पानी में रहते थे, पानी से बाहर कोई निकला नहीं था. ये पानी से बाहर आए, इन्होंने कहा यार बहुत हो गया पानी में, लेट्स गो आउटसाइड हैव सम फन, यू नो. एंड व्हाट फन दे हैड, दे वेंट इनटू सम अदर एनिमल्स बॉडी, दे बिकम एंडोपैरासाइट्स. सो मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स इन दिस फाइलम दे आर एंडोपैरासाइट्स, दैट मीन्स दे लिव इनसाइड समबडी एल्सेस बॉडी, किसी और की बॉडी के अंदर रह के उसे नुकसान पहुंचाते हैं, उसका खाना चुराते हैं, एंडोपैरासाइट्स बनते हैं ये. तो बड़े आए थे पानी से बाहर निकलने वाले, कुछ इन्होंने अच्छे काम किए नहीं, कुछ अच्छे कर्म है नहीं इन लोगों के. पर पानी में भी कुछ कुछ इनकी स्पीशीज अभी रहती हैं, जैसे कि प्लानेरिया. प्लानेरिया ऐसे पत्ते जैसा छोटू सा जानवर होता है. ठीक है. और मतलब वो भी कोई ऐसे ब्रह्मचारी टाइप्स नहीं है, वो भी दूसरों एनिमल्स को खाता है, बट वो कार्निवोर है. कार्निवोर और पैरासाइट में डिफरेंस क्या होता है, कार्निवोर है मेरे को कोई चीज़ खानी है तो मैं उसके पीछे भागी, ठीक है, मैंने उसको पकड़ के खा लिया. पैरासाइट क्या होता है कि अच्छा अब मैं मान लो पैरासाइट हूँ, ठीक है, तो मैं किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में गई और घुस गई और छुप के बैठ गई, और फिर मैं उस ऑर्गेनिज्म का थोड़ा थोड़ा उसको नुकसान पहुँचा रही हूँ, उसका खाना खाई जा रही हूँ, एंडो पैरासाइट हूँ. एक एक्टो पैरासाइट भी होता है, जैसे जूं होती है. जूं क्या होती है, लोगों के सिर में होती है, ऊपर होती है, बॉडी के अंदर नहीं होती ना.
फिर मैं उसे ब्लड सक करती रहती है। सो पैरासाइट और कार्निवोर में ये डिफरेंस है मेन। ठीक है, आओ इनकी बॉडी के बारे में कुछ पढ़ें, बेसिक्स पढ़ें। बेसिक्स पढ़ते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज की। कुछ तो नया होने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है। प्लैटीहेलमिन्थीज एक ऐसी फाइलम थी जिसने बहुत सारी चीज़ें चेंज की। उसने कहा यार बहुत हो गया, बकवास क्या है, सेम सेम सेम, तीन फाइलम से सेम चीज़ें चली आ रही हैं। पहला चेंज जो इसने लाया दैट वॉज जर्म लेयर। ये नीट का क्वेश्चन बनता है बेटा जी। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक फाइलम, पहली बार जर्म लेयर्स तीन हो गई। ट्रिप्लो, अरे अरे अरे, ब्लास्टिक फाइलम। तो ये दूसरों को बड़ी हीन दृष्टि से देखता था, ऐसे होता था ये टेपवर्म आए बड़े, सब डिप्लोब्लास्टिक थे, मैं ट्रिप्लोब्लास्टिक हुआ पहली बार। तो बहुत कुछ ज़्यादा डूड बन रहा था, लेकिन फिर इसे पता चला कि बहुत सारे इसके पास प्रिमिटिव फीचर्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एडवांस है। जैसे कि आज भी इसके पास कोई सिलोम नहीं है, ए सिलोमेट बड़ा आया था एडवांस्ड बनने वाला, इट हैज़ नो सिलोम। ठीक है, नाइडेरिया टीनोफोरा वाला फीचर आ गया। और क्या है, बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक, पहले वाला ही, कोई चेंज नहीं है, कोई ट्यूब विदन ट्यूब कुछ नहीं हुआ है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक कैसे यार, तुम्हें लगेगा मैम ब्लाइंड सैक कैसे हो सकता है, ये ब्लाइंड सैक है भैया। देखो प्लानेरिया बना के बता रही हूँ तुमको, ये है प्लानेरिया। इसके और भी चमत्कार तुम्हें बताऊंगी, प्लानेरिया इज अ वेरी वंडरफुल काइंड ऑफ एनिमल, इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी सिंपल सी बात मैं ये बताना चाहती हूँ। अच्छा पहले तो ये बात बताती हूँ, तुम्हें क्या लगता है इसका मुंह कहाँ पे होएगा? तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पे इसका माउथ होगा, है ना, यहाँ पे इसकी आईज होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। पहली बात तो कहाँ गया मेरा वो, पहली बात तो ऐसा कुछ है नहीं। इसका माउथ पता है कहाँ होता है इसको, ये मैंने प्लेनेरिया बनाया क्यों, प्लेनेरिया तो बनाना नहीं चाहिए था, बट चलो ठीक है। ये प्लेनेरिया है ना, इसको थोड़ा ट्विस्ट कर लो बेटा नीचे से ना, ऐसे उठा लो इसको एक साइड से करके, ऐसे उठा लो, तो यहाँ तुम्हें इसका माउथ नज़र आएगा। ठीक है, जहाँ एनस होना चाहिए वहाँ इसका माउथ है, क्योंकि इसके पास एनस है ही नहीं, ये इसका माउथ है। ठीक है, अब मान लो यहाँ से, मान लो ये माउथ है, दिखेगा तो नहीं लेकिन ये मान लो यहाँ पे माउथ है, तो इसका एलिमेंट्री कैनाल ऐसा होएगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से वापस इसी में, कोई एनस नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो एक ही ओपनिंग है। ठीक है, दिस इज माउथ एंड यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एलिमेंट्री कैनाल एंड देन ये वापस यहीं पे, इस तरीके से। सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान आया बड़ा एडवांस बनने वाला, कुछ एडवांस नहीं है ये, लेकिन फिर इसने प्रूव किया कि भैया ऐसी बात नहीं है, कुछ तो एडवांस मैं हूँ। सिमेट्री, सिमेट्री चेंज कर दूंगा मैं अपनी। This was the first phylum to have bilateral symmetry. Bilateral symmetry. ठीक है, पहली बार bilateral symmetry आई है बच्चों। Bilateral symmetry का मतलब है सिर्फ एक लाइन है जो आपको दो इक्वल हाफ में बांट सकती है। देखो कि कैसे आई बायलेटरल सिमेट्री, इसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट हो गया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनने लगा है इसकी बॉडी में जिसको हेड बोलते हैं। अब हेड का मतलब ये नहीं है कि मैडम जब तक बाल नहीं होंगे तब तक हेड नहीं कहेंगे, जब तक आंखें नहीं होंगी मुंह नहीं होगा तब तक हेड नहीं कहेंगे, नहीं। हेड इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी जहां पे आपके सेंस ऑर्गन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स एक्टिवली मूव करने लगते हैं, जैसे एक फिश है एक्टिवली मूव कर रही है, तो उसके फ्रंट पार्ट में उसके सेंस ऑर्गन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं ताकि वो जिस भी न्यू एनवायरनमेंट में जाए वहाँ पे देख सके कि क्या हो रहा है, कोई खतरा तो नहीं है, कुछ तो नहीं है। सो आपकी बॉडी जब बहुत एक्टिवली मूव करने लगती है तो आपकी बॉडी का एक साइड में सेंस ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं ताकि आप नए एनवायरनमेंट को स्कैन कर सको, उस पार्ट को हेड बोल देते हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेड इज कॉल्ड सेफलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड। सेफलाइजेशन देखने के लिए मिली है हमें यहाँ पे, कहाँ पे तुम कहोगे मैम कहाँ पे देखने को मिली है, देखो ये रहा, ये इसका हेड लाइक पार्ट है, हालांकि इसके पास माउथ नहीं है उस हेड पे, पर इट हैज समथिंग, दीज आर नॉट आईज, दीज आर कॉल्ड आई स्पॉट्स। आई स्पॉट्स का मतलब ये होता है बच्चों,
ये ना लाइट और डार्क के बीच में डिफरेंस बता सकते हैं, जैसे ये तेज रोशनी में है या ये डार्क में, ये बता पाते हैं, लेकिन ये तुम्हें देख नहीं पाएंगे। ये नहीं कि कोई सामने बच्चा आ गया, ओ आदित्य कैसे हो तुम, ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज ही दे आर नॉट एबल टू सी, बट दे कैन डिटेक्ट लाइट एंड डार्क। सो कुछ तो सेंस ऑर्गन जैसी चीज बनी है ना। सो फर्स्ट टाइम हेड फॉर्मेशन हुआ, जैसे हेड फॉर्मेशन हो गई, अब देखो देर इज ओनली वन प्लेन जिससे कि मैं इसको काट सकती हूँ, देर इज ओनली दिस लाइन जिससे मैं इसको आधा काट सकती हूँ, है ना, क्योंकि इसके एक आई स्पॉट इधर, एक आई स्पॉट इधर आ गया, इधर तो ऐसे तो काट नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे हेड बन गया अभी। सो बायलेटरल सिमेट्री आ गई, फर्स्ट फाइलम टू हैव बायलेटरल सिमेट्री एंड फर्स्ट फाइलम टू शो सेफलाइजेशन। चार हो गए, क्या बच गया बच्चों, हमेशा भूल जाती हूँ मैं एक चीज, कुछ ना कुछ छोड़ देती हूँ। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा फिर इसने कहा कि बेटा ऐसा नहीं है, और भी बहुत कुछ हो गया है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसने एक और छक्का मारा है यहाँ पे, फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ये भी तो न्यू है, ये भी तो न्यू है। तो तुम बताओ क्या पॉरिव इसको, प्लैटी हेलमेंथीस को इतने नखरे मारने का अधिकार है जितना ये मारता है? क्या ये रियली में एडवांस हुआ है टीनोफोरा से? बताओ क्या तुम्हारे विचार हैं इस बारे में? दिनेश बासुतकर, आज तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला पार्ट बेटा, आज 6 बजे वाले सेशन में थोड़ा सा मैं तुमसे चिट चैट करूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें तुम्हें बताऊँगी प्रिपरेशन में, कि इतने लंबे सफ़र में जिसमें इतनी सारी मेहनत है नीट 2020 में, उसमें मोटिवेटेड कैसे रहें? हर रोज़ हमारी बैंड बजी रहती है, हर रोज़ हम ऐसे होते हैं आज तो मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा, और शाम तक ऐसे होते हैं भाई कुछ ना हो पाएगा, बस ठीक है हो गया जो होना था। तो अपनी मोटिवेशन को कैसे बरकरार रखें उसके लिए मैं तुम्हारे साथ बात करूंगी 6 बजे। सेशन ज़रूर लगाना, छोटा सा सेशन लूंगी, अराउंड 15-20 मिनट का सेशन होगा वो, बट आई टेल यू लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट योर प्रिपरेशन। ओके, नाउ इससे हमने कंक्लूड किया कि यार कुछ तो बढ़िया है ही प्लैटी हेलमेंथीस में, ऐसी बात नहीं है। देखो मान लिया इसका सीलोम प्रिमिटिव फीचर है, मान लिया इसका बॉडी बॉडी सैक नहीं, यहाँ पे बॉडी प्लान आना चाहिए था, बॉडी प्लान प्रिमिटिव फीचर है, परंतु इसके पास एडवांस्ड फीचर कितने हैं? जर्म लेयर इसका एडवांस है, सिमेट्री इसकी एक एडवांस हो गई है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका एडवांस हो गया है, तो इसने बहुत 3 जगहों पे इसने एडवांसमेंट करी है। सो इट इज अ प्रिटी, कम से कम टीनोफोरा से तो एडवांस ही काफी हो चुका है, क्या बोलते हो, समझ में आ रहा है? चलो आज की क्लास फिनिश कर रही हूँ यहाँ पे, आई होप तुम लोगों को मज़ा आया है पढ़ने में और तुम लोगों ने कुछ सीखा भी है, सिर्फ मज़ा नहीं करना हमको सीखना भी है यहाँ पे, ठीक है। आई होप दिस हैज़ बीन अ बेनिफिशियल क्लास टू यू, इफ़ यू लाइक इट देन यू लाइक इट एंड यू टेल मी इन योर कॉमेंट्स हाउ मच यू लाइक इट, एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको मेरी वीडियोज इसी तरीके से मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर रोज़ 4 बजे क्लास लेती हूँ मैं और हर रोज़ 6 बजे क्लास लेती हूँ मैं, ये क्लासेस फिक्स्ड है मेरी, ठीक है। सो आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको पता चलता रहे कि आज मेरी कौन सी क्लास होने वाली है। ऑल्सो अगर आप पूरा सिलेबस ऐसे पढ़ना चाहते हैं, देखो बेटा तुम्हारा करियर तुम्हारे हाथ में है, किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन अगर किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अपनी किस्मत को पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, बोलते हैं ना अपनी हाथों की लकीरों में जो किस्मत लिखवा के लाए हो उसको पाने के लिए भी मेहनत है। ओके, सो अगर कुछ करना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो हो सकता है, अभी भी हो सकता है, ठीक है, पर उसके लिए तुमको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जो तुम अभी तक करते आ रहे हो उससे तुम्हारी बात नहीं बन रही ना, अगर उससे नहीं बन रही तो कुछ तो चेंज लाना पड़ेगा। एक कहावत है, मैं बहुत कहावतें बताती रहती हूँ, इफ़ यू वॉन्ट डिफरेंट रिजल्ट्स यू पुट इन डिफरेंट एफर्ट्स। आप जब तक एफर्ट सेम रख रहे हो तब तक रिजल्ट भी सेम आएगा, जब एफर्ट चेंज करोगे तो ही रिजल्ट डिफरेंट आएगा। तो यदि तुम मेरे साथ पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊंगी तो तुम लोगों को पता है कि लर्न तो होगा ही होगा, आएगा तो है ही। इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी द कंप्लीट सिलेबस इन जस्ट 4 मंथ्स, ओके, एंड ऑल्सो यू वॉन्ट टू स्टडी फिजिक्स फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स ऑफ इंडिया, जैसे कि DC पांडे सर इज टीचिंग फिजिक्स विद अनअकैडमी प्लस एंड केमिस्ट्री, सो यू कैन टेक प्लस सब्सक्रिप्शन। हाउ टू टेक प्लस सब्सक्रिप्शन ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा इस वीडियो के, एंड वेन एवर जब भी आप ये लेने का फैसला करें 30 नवंबर से पहले पहले सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि 30 नवंबर पे मेरा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है और क्रैश कोर्स में मैं 50 बच्चों से ज़्यादा नहीं लूँगी, सो जो पहले 50 बच्चे होंगे आई विल टेक देम। ऑल्सो क्रैश कोर्स के लिए और 10% फीस कम करने के लिए आपको ये कोड यूज़ करना है रितु लाइव, यू विल गेट अ 10% ऑफ ऑन ऑल योर फीस, चाहे वो प्लस वन की फीस हो, चाहे प्लस टू की फीस हो, ड्रॉपर्स की, कोई कोई भी आप बैच हो, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते, कुछ भी,
एवरीथिंग रितु लाइव यूज़ करते हैं आपको 10% ऑफ मिलेगा, ठीक है? देन यू गेट अ सीट इन माय क्रैश कोर्स, देन यू गेट माय नोट्स, ओके? सो आई विल सी यू एट प्लस बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्लस इज मोर एफिशिएंट देन यूट्यूब, आई एम गोइंग टू टेल यू. प्लस में, हालांकि जैसे YouTube पे बहुत बड़ी स्क्रीन होती है, प्लस में इतनी बड़ी स्क्रीन नहीं होती, प्लस में थोड़ी छोटी स्क्रीन होती है, ओके? हम ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम क्लासरूम में पढ़ते होते हैं. प्लस में लर्नर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है. जैसे अभी तो मैं कभी कभी तुम्हारे कमेंट्स देखती हूँ. प्लस में रेगुलरली तुमसे बात करते हुए मैं लिखती हूँ, क्योंकि मैं लैपटॉप की तरफ ही देख रही होती हूँ ना, लैपटॉप में साइड में तुम्हारे कमेंट्स चल रहे होते हैं. लर्नर इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है प्लस में. देन इंडिविजुअल अटेंशन बहुत ज़्यादा है प्लस में. मेरे पास क्लास में हार्डली 15-20-30 बच्चा रहता है, तो मैं उनसे बात करती रहती हूँ और करती रहती हूँ. देन प्लस में सिलेबस फास्ट होता है. जो बच्चा रियली नीट के लिए सीरियस है, वो फास्टर सिलेबस के लिए जाए, वो बेटर है. क्योंकि जल्दी, जितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस मोर, यू विल बी एबल टू रिवाइज मोर. तो प्लस का फास्ट स्पीड बहुत फास्ट है सिलेबस होने का, ओके? सो आई विल सी यू एट 6:00. थैंक यू सो मच. बाय बाय.